गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में नजर आएगी। देवभूमि की झांकी को परेड में शामिल किया जा रहा है। मोक्षधाम भगवान बद्रीनाथ टिहरी डैम हेमकुंड साहिब के साथ ही ऐतिहासिक डोबरा चाटी पुल झांकी में नजर आएंगे। बता दें कि साल 2021 में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड के मॉडल पर आधारित थी, जो कि राजपथ पर निकली झांकियों में देश में तीसरे स्थान पर रही थी। तब उत्तराखंड को पहली बार झांकी को लेकर पुरस्कार भी मिला था। इस बार 12 राज्यों में से देवभूमि की झांकी का चयन हुआ है, जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। इस तरह राज्य गठन के बाद अब 13वीं बार उत्तराखंड की झांकी राजपथ पर होने वाली परेड का हिस्सा बनेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नजदीक है, उत्तराखंड की झांकी में इस बार किस तरह की चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएगी, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की ये झांकी है, हेमकुंड साहिब जो है उत्तराखंड की झांकी की शुरुआत में जो है लगाया गया है। हम बात करते हैं के एस चौहान जी से, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सर, उत्तराखंड की झांकी की बात करें, आप बताते जाइए कि क्या कुछ जो खास है वो देखने को मिले। हम देख रहे हैं कि हेमकुंड साहिब जो है सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बार एकदम भाग्यशाली है कि हमारे 12 राज्यों में जो पूरे देश के 12 राज्यों का सिलेक्शन हुआ, उसमें उत्तराखंड राज्य की झांकी भी आपको राजपथ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे पवित्र गुरुद्वारा को हमने झांकी के अग्रभाग में दिखाया है, और जो पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में हमने डोबरा चांटी पुल और टिहरी डैम को दिखाया है। और टिहरी डैम के अतिरिक्त जो दूसरा पार्ट हमारा है वो बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया गया है, और झांकी का जो साइड का पार्ट है, साइड के पार्ट में ऑल वेदर रोड को हम लोगों ने दर्शाया है। इस बार आप उत्तराखंड की झांकी को विशेष रूप से भी आपको देखने को ये मिलता कि कॉम्पैक्ट रूप से झांकी, जहां धार्मिक टूरिज्म के साथ साथ विकास को भी दिखाया गया है, और इसके अतिरिक्त टूरिस्ट जो पिछले 4-5 सालों में टिहरी डैम में बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं, तो उस डेस्टिनेशन को हमने भी दिखाया है, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल को। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो थीम है प्रकृति की ओर बढ़ना उत्तराखंड, उसको कहीं ना कहीं इस पूरी झांकी में जो है बात दिखाया गया है। तो सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रदर्शित है तमाम चीज जो है देखने को मिल रही है? हाँ, टूरिज्म के अलावा और जो प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड है उसको हमने झांकी में दिखाया, और साथ ही जो झांकी के साथ कलाकार हमारे चलेंगे, और लगभग 16 कलाकार हैं जो उत्तराखंड की कला और संस्कृति को झांकी के साथ साथ राजपथ पे प्रदर्शन करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल हम आपको झांकी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो है झांकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये टिहरी डैम उत्तराखंड का विशेष तौर पर जो है माना जाता है, और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि देव भूमि है उत्तराखंड, तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार जो थीम है उत्तराखंड की झांकी की वो प्रकृति की ओर बढ़ता उत्तराखंड थीम जो है देखने को मिल रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।